Welcome to Kalingo Tutorial, Santikanan Lane near FM College, Baleshwar. Online classroom for plus 2 science second year students. Good morning students. The previous class jo assignment dei thi seta kariu chote eta problem ho kahyo. Artan aau kichi ta related se chapter re aau kichi baki achi. Tabo sari achi. To first What happens when chlorobenzene is on reduction? नामे chlorobenzene को reduction करे कौन आएगा? तो reduction का नाम कौन हमने जानते हैं? दीना कर चुके first year है। reduction और ये ना oxidation। reduction माने कौन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किंबा लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन माने कौन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किंबा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो जब हाइड्रोजन हमें ऐड करिबा दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करछे किंतु ऑक्सीजन बाहर करले गुटी ऑक्सीजन माइनस करछे काहे करछे हाइड्रोजन नो वैलेंस है ना 1 किंतु ऑक्सीजन नो वैलेंस है ना 2 तो हमें गुटिए जिंसर बु इक्वल नंबर ऑफ एडिशन करिबा पण इक्वल सबट्रैक्शन करिबा तो H2 तो दीटा हले हाइड्रोजन वैलेंसी 1 तो दीटा हाइड्रोजन पाई केते 2 ऑक्सीजन वैलेंसी केते 2 तो इक्वल नंबर ऑफ एडिशन करिबा किमा इक्वल नंबर ऑफ सबट्रैक्शन करिबा तो रिडक्शन माने कोन दीटा हाइड्रोजन ऐड करिबा किमा गुटी ऑक्सीजन माइनस करिबा तो रिडक्शन कहि दिली गुटी हला by catalytic reduction जोड़ा क्या मिलती हुए in the atmospheric hydrogen in presence of nickel or platinum or palladium आउट है ना by using reducing एजेंट हमें रिड्यूसिंग एजेंट दे भी ए करिया रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है परियो एटी कौन होगा 2H दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड परिबो किंबा सोडियम बोरोहाइड्राइड परिबो किंबा सोडियम मिथाइल अल्कोहल है ताले डिफरेंस ला एथि जो निकेल प्लैटिनम पैलेडियम अछि सेटी रिडक्शन होबो इन प्रेजेंस ऑफ H2 That is atmospheric hydrogen. किंतु जोड़ा by using reducing agent सेटा हमें कौन कुछ है H use कुछ That is nascent hydrogen. जीता process same, reactant same, product same. Difference है ना ये atmospheric hydrogen हो चाहिए थी nascent hydrogen हो चाहिए. Atmospheric hydrogen कहाँ कहाँ presence होती है लोग catalyst कराए जी निकेल हो प्लैटिनम हो पैलेडियम हो बट नासा ने इसमें कहा क्या प्रेजेंस रही थी यूज कराई थी ये जे कैटलिस्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सोडियम बोरोहाइड्रेट और सोडियम इथाइल अल्कोहल तो बर्तन बसे बा एक दिन जोड़ा बसे ले बो वहाँ डिपेंड्स होए क्लोरोबेंजीन इंच ऑन रिडक्शन क्लोरोबेंजीन लिख ली रिडक्शन माने कौन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ठीक कौन हो? तो गुटिये H आउट ए सीएल कॉम्बाइनिंग कौन हो? SCL आउ कौन हो ना? बेंजीन हो ना H बेंजीन ऊपर है H दैट इज बेंजीन तो क्लोरोबेंजीन को रिडक्शन में कौन पाई जाए हमें बेंजीन पाउच किंतु एटा एथी जो प्रोसेस एथी कैटलिस्ट का अलग है एटा स्पेशल टाइम मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी स्पेशल टाइम मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुए तड़े पर्टिकुलर कैटलिस्ट ए रिएक्शन पर कैटलिस्ट होगा निकेल एल्युमिनियम एलॉय एंड एनएच सॉल्यूशन तो थ्योरी तो लिख पा लियो और लिख लो एक तो जो उठे क्लोरोबेंजीन ऑन रिडक्शन गिव्स बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ
निकेल एल्युमिनियम एलॉय एंड NaOH सॉल्यूशन थ्योरी जब आगुर जब थी लेकुदरो सेम थी लेकर आउट किंतु एटा जनरल प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस रो एटा रिडक्शन प्रोसेस जनरल प्रोसेस कोडी कैटलिटिक रिडक्शन हुए कोडी रिडक्शन हुए बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट किंतु एटा एक स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन रिडक्शन हो छि सेते एते कैटलिस्टा डिफरेंट हो छि एते कोन हो छि निकेल एल्युमिनियम एलॉय एंड NaOH सॉल्यूशन एटा सहित यार कंपेयर करिवो नै Next, what is the commercial method of preparation of chlorobenzene? The commercial method माने है ना industrial method जो भी क्या में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन बडीबा क्लोरोबेंजीन तो ये कोच हमें कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन देखिए अब की करिया बेंजीन इज एबल एसीएल सहित इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl देखो बेंजीन रो समस्त जगह रे एच अछि तो एथे गुटिए एच ये गुटी एच दीटा एच ये हाफ ऑक्टो माने गुटी ऑक्सीजन तो दीटा हाइड्रोजन गुटी ऑक्सीजन हाफ ऑक्टो माने गुटी ऑक्सीजन एथि गुटी हाइड्रोजन एथि दीटा हाइड्रोजन ये गुटे आधा ऑक्सीजन माने हाफ ऑक्टो माने गुटी ऑक्सीजन प्लस ए कोन है H2O रिमेनिंग कोन होला बेंजीन रहला और क्लोरीन रहला ताले बेंजीन ऊपर Cl दैट इज क्लोरो बेंजीन थ्योरी कोन लिख परिबो बेंजीन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड HCl टू गिव्स क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 ए मेथड आला कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एबे नाम अछि दिस मेथड इज कॉल्ड एज रेस्टिज प्रोसेस एटा का हम कोन कहबा रेस्टिज प्रोसेस दैट इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन आथरे कहू बेंजीन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड HCl टू गिव्स क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 देखो ए जों पढौ छी आमे एक्स्ट्रा नोट किछ प्रोवाइड करे आवश्यकता नै एबे एटा कहि दउ छी तुमे सेही अनुसार नोट खाता लिखियो थ्योरी फास्ट लिखियो त इक्वेशन लिखियो थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट हम कह दूँ सब नेक्स्ट पढ़ेगा इतने लास्ट थोड़ा के लिए हमने पढ़ेगा पढ़ेगा लास्ट कौन से ये जाना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये जैसे समझ पड़िया पूरा के देखो कौन हो छी बस चल डायग्राम ड्रा कर छी देखो एटा ला ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट माने जो लाइट रो वाइब्रेशन सब गुड डायरेक्शन में मूव करियो सेटा ला ऑर्डिनरी लाइट सो बस CFL पर
शेयर पल पल टू जाय जो छान सो बडे देखे जाउची ए माने कोन शेयर पल बडे रेडिएशन सपोर्ट डायरेक्शन जाई पारिबो तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट माने देखे अपन ऑर्डिनरी लाइट लाइट व्हिच वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो लाइट का वाइब्रेशन डा सब डायरेक्शन में जाई परबे चारियल को जाई परबो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट मैं कादी पास करबा पास तो दी निकल प्रिज्म तुम्हें देखी जो फिजिक्स प्रैक्टिकली प्रिज्म देख छ सेम पर अपन कंपाउंड प्रिज्म छि दैट इज निकल प्रिज्म पास करला पर कोन हबो देखो ऑर्डिनरी लाइट रा हमरो वाइब्रेशन डा कोन सब डायरेक्शन जाउतला तो निकल प्रिज्म दे पास करले सेही लाइट रो वाइब्रेशन रा जोरा सब डायरेक्शन नि जाउतला सेही लाइट रो वाइब्रेशन गुटिए प्लेन ऊपर रहे रिपीट अगेन आउटर कोची एटा ओरिजिनल लाइट जारो वाइब्रेशन सब डायरेक्शन होतला आदि पास करले निकल प्रिज्म दे के मतलब पास कर पास करा परे कोन हबो जो लाइट रो वाइब्रेशन सब डायरेक्शन होतला सेही लाइट रो वाइब्रेशन गुटिए प्लेन ऊपर रहे यदि गुटिए प्लेन ऊपर लाइट रो वाइब्रेशन हुए ताले ताको हमें कहिबा प्लेन पोलराइज लाइट क्वेश्चन पड़े व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट कौन लिखबो द लाइट व्हिच वाइब्रेशन इज ऑन वन प्लेन जो लाइट रो वाइब्रेशन डा गुटिए प्लेन ऊपर हुए दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट तापर हमें कौन कहे लाइट को सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मध्ये पास करे कादी पास करे गुटे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन मतलब जे कोन से कंपाउंड एनएसएल कोन पानी दिए पास करे सब अछ देले कोन हबो लाइट रो वाइब्रेशन गुटिए सीधा होतला गुटिए प्लेन होतला माने 90 डिग्री पर सीधा होतला से लाइट वाइब्रेशन ना कोन हो से राइट को बुलीबो और लेफ्ट को हैला तो फास्ट हम कोन बोले दिस इज ऑर्डिनरी लाइट जो लाइट रो वाइब्रेशन का सब डायरेक्शन होछ कादी पास करले पासेस रो निकल प्रिज्म निकल पे दे पास करे सेही लाइट रो वाइब्रेशन कोन सबु डायरेक्ट माने गुटिए प्लेन ऊपर एटा सबु डायरेक्शन होतला एटा गुटिए प्लेन ऊपर है तो जो लाइट रो वाइब्रेशन गुटिए प्लेन ऊपर रहइबो सेटा को हमें कहबा प्लेन पोलराइज लाइट तापर हमें का दे पाले सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अरे कंपाउंड रो सॉल्यूशन दे हमें लाखो पास करे पास करले पण कोन हबो ए लाइटटा सीधा जो थिला एटा रोटेशन पर राइट को किबा लेफ्ट को करइबो राइट को बोले ताको हमें कहबा डी आई समान यदि हमें लेफ्ट को बोलबे सेटा हमें कहबा एल आई समान डी रो फुल फॉर्म हैला डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर एल रो फुल फॉर्म हैला लेबियो रोटेटरी आइसोमर हम शॉर्ट रे बोले डी आई समान किबा एल आई समान ताले हमें क्वेश्चन यदि पढे इ व्हाट इज ऑप्टिकल आइसो दे डायग्राम रे ड्रा करबो स्टेटमेंट कौन लिखिबो व्हेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स टू और मोर कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला समान लगा आइसोमर जिम रे व्हिच डिफर in the rotation of plane polarized light in opposite direction back to equal extent सोच टाइप ऑफ कंपाउंड्स
इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड दी फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टेटमेंट देख पड़िया व्हेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट टू और मोर कंपाउंड तो आइसोमेरिज्म जाचो तांको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हबो व्हिच डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइन। का रोटेशन हबो प्लेन पोलराइज तो गुटिए प्लेन ऊपर होले सेटा हमें कहबो प्लेन पोलराइज लाइन तार रोटेशन डिफर हबो। रोटेशन डिफर माने इन अपोजिट डायरेक्शन माने जदी एटा राइट को बुलिबो एटा लेफ्ट को बुलिबो बट टू इक्वल एक्सटेंट व्हिच मींस एटा जदी हमें 40 डिग्री रोटेशन करबा एटा भी 40 डिग्री रोटेशन करबा समान एंगल रोटेशन हबो अलगा अलगा एंगल रोटेशन हबो नाही। तले कोन हबो कोन डिफरेंस हबो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो मुटिए प्लेन पर लाइट आछि सेल रोटेशन अलगा अलगा सेटा रोटेशन राइट को करबो किबा लेफ्ट को करबो जदी राइट को करबो तले हम कोन करबा डी आइसोमर जदी लेफ्ट को करबा हम का कहबा एल आइसोमर बट टू इक्वल एक्सटेंट एटा जदी 30 डिग्री रोटेशन करबो एटा भी 30 डिग्री रोटेशन करबो समान एंगल रे दिटा जको रोटेशन करबो। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर ए सॉरी दिस सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। बुझियला वर्तमान पढेबा कंडीशंस conditions for optical isomerism condition for first condition is the compound should contain a chiral carbon atom और कायरल चिरल कार्बन एटम कंपाउंड गुटे कायरल कार्बन एटम रहिबो तो कायरल कार्बन एटम कहा कोंदी कायरल कार्बन एटम कहा कोंदी कि कार्बन एटम व्हिच इज अटैच टू फॉर डिफरेंट एटम और ग्रुप जो कार्बन टा चारटा अलग अलग एटम कि ग्रुप सहित अटैच हम से कहते काइरल कार्बन एटम अदरवाइज दिस इज नॉट ए काइरल कार्बन एटम दैट इज ए काइरल कार्बन एटम। सपोज एग्जांपल ए कार्बन देखो चारटा अलग अलग सहित अटैच अछि तो दिस कार्बन एटम देखो चारटा एटा गुटे एटा गुटे एटा गुटे चारटा डिफरेंट अछि दिस कार्बन इज काइरल कार्बन एटम यदि हमें करिबा सपोज एच एच सी एच थ्री ओ एच तो इतना भी समान ही जाऊँ जी इट इज नॉट ए काइरल कार्बन एटम नॉट इतना सेम तो दैट इज नॉट ए काइरल कार्बन एटम सेकंड हमें कोई बात नॉट ए काइरल कार्बन एटम नॉक कोई कि हमें कोई करिबा देखो एक काइरल कार्बन हले ऑप्टिकल आइसोमर जे होवा पाई कार्बन एटम का निहाती काइरल कार्बन ड होबा दरकार। काइरल कार्बन एटम होबा पाई जो कार्बन एटम का चारटा अलग अलग एटम किबा ग्रुप सहित लागिबो दिस इज कॉल्ड एज काइरल कार्बन एटम। तो एथि जदि अलग चारटा अछि तले ए कार्बन एटम गाना काइरल कार्बन एटम किंतु मने एथि दिटा समान अछि दिस इज कॉल्ड एज कार्बन कार्बन काइरल कार्बन हे परिबो नाही दिस इज ए काइरल कार्बन एटम। द फर्स्ट कंडीशन रहला कि कंपाउंड शुड कंटेन ए काइरल कार्बन एटम। आउ एग्जांपल देख को छु न बुझि पाछ
it has atta omega alkyl group, then this carbon atom belongs to chiral carbon atom. Mujhe pata chatta omega alkyl atom ki main group pehle, this is chiral carbon atom. Yahan par hai second point condition mein. The compound should not contain any plane of symmetry or center of symmetry. Compound ro plane of symmetry or center of symmetry rohibo nahi. Plane of symmetry, center of symmetry kon? An imaginary line is drawn through the molecule in such a way that one part is mirror image of other. ताले हमें plane of symmetry और central symmetry कहाँ पर बा? उटे line हमें ती draw करी बा, जमी ती बुटिये लपाट, आउटे पाट को mirror image होपो. ताले कौन लोग सोपो example देखो बुझो चलो सर्च्चा. CH3COH H CH H CH3 এপর দিকে লাইন ড্র করি লাইন ড্র করে পরে কোন আছে দেখো এডি দামে এডি মিরর সপোজ রাখিলে তাহলে OH এর মিরর এটা এই এর মিরর এটা এর মিরর এটা তাহলে এটা যা উপ হোক এটা আছে এক্সাক্ট মানে মিরর দেখলে যেমনি আমি ওটা মিরর আগে ঠিয়া আছে আমার প্রতি উল্টা দেখা যায় তো এটা কোন এর উল্টা দেখা যাচ্ছে তাহলে দিস লাইন ইজ এ মিরর মানে এই লাইন শোরে আমি জানি পারছি এই পার্টটারও মিরর ইমেজ এটা এই পার্ট এই লাইনটা যখন ড্র করছি দিস লাইন ইজ কল্ড এজ প্লেন অফ সিমেট্রি অর সেন্টার অফ সিমেট্রি কিন্তু কন্ডিশনটা হলো দি কম্পাউন্ড শুড নট কন্টেইন এনি প্লেন অফ সিমেট্রি অর সেন্টার অফ সিমেট্রি কম্পাউন্ড রে प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री रहइबो नाही तो एठी किंतु प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अछि त एहि प्रकार कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमोरिज्म देखइबो नाही त एकी प्रकार कंपाउंड देखइबो सपोज एग्जांपल यदि हम हमर मिरर इमेज ड्रा करबा मिरर इमेज ड्रा करले कोन देखो एटा मिरर में सीएच में मिरर इमेज केबे एज हे परबोनी कि एज में मिरर इमेज केबे सीएच हे परबो नाही ताले एथे गुटिए पाई पाटा ए पाटरो मिरर इमेज नुहे ताले दिस लाइन ता हमें कोन सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नुहे ताने एथे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही किंतु एथे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अछि ताले कंडीशन दिला द कंपाउंड शुड नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कंपाउंड रो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री रहइबो नाही तो एठी नाही मिरर इमेज में त एक प्रकार कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्जी देखे सो इट शोज दी ऑप्टिकल आइसोमर्जी एटा ऑप्टिकल आइसोमर्जी हमको देखे तले फर्स्ट कोण कहले ऑप्टिकल आइसोमर्जी का कोण दी बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट तो लाइट और रोटेशन ऊपर डिपेंड करिवो सेटा ऑप्टिकल आइसोमर्जी होबो किबा नाही तो बुझि पलो कंडीशन हैला प्रथम तिरा काइरल कार्बन एटम चारटा अलगा अलगा एटम के ग्रुप से लागिवो सेकंडा कोण हैला शुड नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट सेदर प्लेन ऑफ सिमेट्री किबा सेंटर ऑफ सिमेट्री रहइबो नाही नेक्स्ट